नमस्ते सभी को जी। तो अभी ऐसा करेंगे भैया, कल हम लोग लेक्चर 12 इनिशिएट किया था, बट अभ्यास 2 के जो कुछ स्टेप्स अभी शेष हैं, अभी उनको ले लेते हैं। तो अभ्यास 2 का स्टेप 4 लगा लीजिएगा, उस पर अभी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर 12 को टेकअप करेंगे। जी जी जी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को जी। नमस्ते जी। भैया देखिए, ये समझना है मुझे कि जब हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को रेफर कर रहे होते हैं तो मतलब हम B1 ब्लॉक्स से मतलब या B1 ब्लॉक से यूज कर रहे हैं, ठीक जी। हाँ, और जब हम क्यों टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब हम विश्लेषण कर रहे हैं। नहीं नहीं, क्यों मैं विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, कैसे मैं विश्लेषण कर रहे हैं, क्यों मैं तो प्रयोजन देख रहे हैं। प्रयोजन जो है वो संबंध व्यवस्था संस्कृति से जुड़ता है। या तो अपनी चाहना को देख रहे हैं, मूल चाहना, अपनी इच्छा नहीं बल्कि मूल चाहना, या प्रयोजन को देख रहे हैं, तो ब्लॉक B1 से कनेक्ट होता है। अच्छा। तो जब हम क्यों प्रश्न करना शुरू करते हैं तो हो सकता है कल्पनाशीलता के आयाम में कुछ हम कर रहे हैं, या तो विचार में शुरू कर रहे हैं या फिर हम चित्रण में कुछ शुरू कर रहे हैं, बट यदि हम उसको पीछते चले जाएं तो अल्टीमेटली वो कनेक्ट होता है हमारी सह स्वीकृति से, यानी ब्लॉक B1 से। जी, कई बार क्या होता है ना भैया, जैसे कल ट्रस्ट का हम ये चल रहा था, सेशन चल रहा था, उस टाइम पे मुझे सुखी करना है क्या दूसरे व्यक्ति को, तो क्वेश्चन तो पूछा जाता है, तो हाँ, फिर बाद में ये सवाल आता है क्यों, तो उसका फिर जवाब नहीं मिलता है, तो ये इसको हाँ। कैसे समझे? तो जैसे इसमें हम अपने आप से पूछेंगे, क्या मैं सुखी होना चाहता हूँ, तो हाँ, अब पूछे क्यों होना चाहता हूँ, मैं सुखी क्यों होना चाहता हूँ, तो दिखाई दिया कि ये मेरा स्वभाव है ना, मेरा स्वस्थ है, ऐसा ही हूँ। इनफैक्ट शून्य बने रहते हुए व्यवस्था इसी प्रकार बनी हुई है, और सुख एक नाम है। अल्टीमेटली मैं संबंध में होना चाहता हूँ, व्यवस्था में होना चाहता हूँ, अस्तित्व में होना चाहता हूँ, इसी को मैं सुख कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक ऐसी स्थिति मेरी बनती है जिसमें मैं आराम पाता हूँ, जिसकी कॉन्टिन्यूटी चाहता हूँ। तो ये भी एक वैलिड प्रश्न है, तो सुखी क्यों होना चाहता हूँ, तो जाकर अल्टीमेटली ब्लॉक B1 से उत्तर मिलता है। वैसे हम पूछे मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, हाँ, क्यों करना चाहता हूँ, तो वहीं से मिलता है उत्तर, कि शून्य में बने रहते हुए हमारी परस्परता इस प्रकार ही बनी हुई है कि हम स्वयं व्यवस्थित होना चाहते हैं, दूसरे को व्यवस्थित करना चाहते हैं। इनफैक्ट इस प्रश्न को आप और एक्सटेंड करें कि व्यवस्था ऐसी ही क्यों है ना, इस संबंध ही क्यों है, विरोध क्यों नहीं है अस्तित्व में, सहअस्तित्व ही क्यों है। अगर आप इस प्रश्न को पूछते चले जाएं अपने आप में, तो अल्टीमेटली आप वहां पहुंचेंगे कि अस्तित्व क्यों है। जी भैया जी जी। तो वहां जाके फिर आपके प्रश्न की एक सीमा आ जाती है, क्योंकि हाँ। क्यों का मतलब ही होता है अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, तो अस्तित्व हाँ। में इकाई का हम क्यों प्रश्न कर सकते हैं, उसकी भागीदारी को देख सकते हैं, बट जब हम अस्तित्व समग्र को देख रहे हैं और फिर क्यों पूछते हैं तो प्रश्न बन ही नहीं पाता। फिर हम उसमें जरूर अपनी कल्पनाशीलता में कोई ऐसी बात लाते हैं, अस्तित्व क्यों है, तो हमको लगता है कि ठीक है, एक समय पर नहीं था फिर आ गया, तब तो पूछ सकते हैं, बट जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे कल्पनाशीलता में कुछ ऐसा चल रहा होता है जैसे अस्तित्व नहीं है, कोई रचना है, क्रिएशन है, किसी ने क्रिएट किया है, तब तो फिर भी पूछ सकते हैं कि ये क्रिएट क्यों किया भाई, है ना। बट जब अस्तित्व कह रहे हैं जो हमेशा से था, है और रहेगा, तो क्यों प्रश्न बनता ही नहीं है। क्रिएशन अगर किसी ने किया है फॉर एग्जाम्पल, तब तो पूछ सकते हैं क्यों क्रिएशन किया, बट ये क्रिएशन तो है नहीं, ये तो अस्तित्व है। तो आप पाएंगे कि क्यों प्रश्न हमारे ब्लॉक B1 से कनेक्ट होता है, और इसको जब हम पूछते चले जाते हैं तो उसकी एक सीमा आती है जब हम वहां पूछते हैं कि अस्तित्व क्यों है, और फिर हमें अस्तित्व के नित्यता को समझना होता है, अस्तित्व नित्य है, हमेशा से था, है और रहेगा। जी भैया, एक लेवल मतलब एक क्षमता तक ऐसे समझ में आता है, हाँ ये तो रियलिटी है, इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकते जी, ऐसे जी आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ना बनता नहीं है,
यानी हमारी एक कल्पनाशीलता में कोई मान्यता बनी हुई है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी भी देखिए हम इतनी सारी बातें कर रहे होते हैं, बट हो सकता है हमारी कल्पनाशीलता में कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई क्रिएशन है। जैसे अगर हम एक मानने का एक क्रम देखें तो मानने का एक क्रम ये बनता है जिसमें हम कहते हैं कि किसी ने रचना की है ना। ठीक, अभी हमने कैसे जान लिया किसी ने रचना की, माना ही है। अब कोई पूछे कि भाई ठीक है जिसने रचना की उसकी रचना किसने की, तो कहते नहीं नहीं वो तो हमेशा से था। तो भाई जब कहीं पे आप रुक ही रहे हैं कि हमेशा से था, तो अस्तित्व पे ही रुक जाइए, हमेशा से था। जबकि अगर हम ठीक से देखें तो अस्तित्व जब हमको समझ में आता है तो जैसा वैसा दिखाई देता है, जो हमेशा से था है और रहेगा, कोई रचना नहीं है। ये शून्य हमेशा से था है और रहेगा, इकाइयां हमेशा से थी है और रहेंगी। इकाइयों में कुछ इकाइयों में रचना भी रचना होती है, कुछ इकाइयों में रचना भी रचना नहीं होती। शून्य क्रिया शून्य है, उसमें है ना ऐसी क्रिया है ही नहीं। जी ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू जी। बढ़िया जी से भैया, नमस्ते सभी को जी। भैया ये मतलब ये पूछने की बात ही चल रही है, इसलिए मन में एक प्रश्न आया कि जैसे फिर ऐसा हो सकता है ना कि सभी जो कॉन्शियस यूनिट है, सेल्फ है, वो सभी अनुभव के स्तर पे पहुंचे हैं, सबको रियलाइजेशन हो गया, ये एक अंतिम अवस्था मतलब सह अस्तित्व जो अभी एग्जिस्टेंस है उसका एक प्रयोजन ये भी है कि उसमें जो यूनिट है उसको अनुभव मतलब उसको अनुभव हो जाए, मतलब रियलाइजेशन हो जाए जी, ये भी एक प्रयोजन हो सकता है ना ये सह अस्तित्व का। आप फिर पूछें कि क्यों रियलाइजेशन हो जाए, इसका क्या प्रयोजन है। तो ये मतलब ये तो मूल हाँ, तो हम तो बोलते हैं कि रियलाइजेशन अभी नहीं आ रही फिर से। नहीं मैं एक्चुअली यहाँ मतलब रुका हुआ हूँ। हाँ तो इसको अपने आप में देखें जी। तो देखिए चैतन्य इकाई में अनुभव क्रिया पूर्ण हो जाए ताकि उसकी हाँ। सारी क्रिया जागृत हो जाए, ये तो ठीक ही है, बट अपने को दिख ही रहा है ना कि अभी तो इतना मशक्कत करके अभी हम चिंतन तक तो पहुंच नहीं पा रहे कि नहीं जी, जी, सारी इकाइयां अनुभव तक पहुंच जाए, तो ये तो एक कल्पना भी हो सकती है कि एक ही क्षण में सारी इकाइयां अनुभव तक पहुंच जाए। नहीं एक ही क्षण में नहीं, तो मतलब मगर एक अंतिम अवस्था, अंतिम ऐसा नहीं, ये भी एक अवस्था हो सकती है। हाँ तो उसमें ये भी एक संभावना तो है ही ना कि जो बहुत सारी चैतन्य इकाइयां पशु के शरीर को चला रही है, ये भी तो विकसित होकर मानव के शरीर को चलाएंगी, ऐसी इकाइयों की संख्या तो काफी है, बनी रहेगी जी जी जी। मतलब ये अस्तित्व का कुछ प्रयोजन इसके बारे में हम नहीं, देखिए अस्तित्व का कोई प्रयोजन नहीं है, अस्तित्व है, उसको जैसा है वैसा देखना और स्वीकारना बनता है जी। अस्तित्व में इकाइयों का प्रयोजन हो सकता है, और प्रयोजन का मतलब इतना ही कि अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। जैसे हम कहते हैं भाई शरीर क्यों है, एक साधन के रूप में, मैं में ज्ञान होने के लिए है ना, मैं में ज्ञान का प्रयोजन क्या है, तो निरंतर सुख पूर्वक जी पाए, दूसरों के सुख में भागीदार हो पाए, इस रूप में तो हमें उत्तर मिलता है जी। अस्तित्व ही क्यों है पूछे तो वहां कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रश्न ही नहीं बनता। मतलब ऐसा भी ये हो हाँ जी, मगर ये हो सकता है कि ये हमारी सहज स्वाभाविक स्थिति है कि हमें ज्ञान हो जाए, और वो अगर अगर नहीं है तो वो सहज स्थिति में हम जा रहे हैं, जब वो हो जाए तो हम बने रहेंगे उसमें जी। ऐसा भी जी ठीक है, मगर ये सब देखने की चीज ही है, मगर यहाँ तो मतलब विचार बंद हो जाता है क्या अस्तित्व क्यों है, ऐसा लगा भाई ये प्रश्न ही नहीं बनता।
प्रश्न ही नहीं बनता। यहाँ से बात शुरू हुई थी कि क्यों प्रश्न का उत्तर किससे कनेक्ट होता है, तो ज्ञान से कनेक्ट होता है, संबंध व्यवस्था से अस्तित्व से कनेक्ट होता है, वहीं पे उत्तर मिलता है। जी बढ़िया भैया जी, नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया, अभी जैसे अस्तित्व और इसकी बात हो रही थी, तो ये बात तो ठीक है, थोड़ा और भी समझना है इसको कि अस्तित्व क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर, मतलब ये प्रश्न नहीं बनता है, इस बात को थोड़ा सा और समझाइए एक बात। और दूसरी बात है कि जो व्यवस्था है, अब उस पर भी लोग प्रश्न करते हैं। जैसे दो तीन दिन पहले मेरे किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि शेर हिरन को खाता है, तो ये क्रूरता है, तो व्यवस्था में क्रूरता होने की जरूरत ही नहीं थी ना। तो इन मतलब एक तो अस्तित्व है वो वाली बात, और दूसरी व्यवस्था ऐसी क्यों है, ये दोनों क्वेश्चन रेज होते हैं, तो इनका क्या उत्तर रहेगा जी। तो उस प्रश्न को अगर और आगे बढ़ाएं तो ये बनता है कि एक तो अस्तित्व क्यों है, ये प्रश्न हमारे अंदर खड़ा होता है। दूसरा, अस्तित्व जैसा है वैसा ही क्यों है, क्यों शेर हिरण को खाता है, हिरण शेर को क्यों नहीं खा जाता है ना, या दोनों ही क्यों नहीं घास खाते हैं, दोनों ही क्यों है ना एक दूसरे को नहीं खा जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। हमारे पास दो ही पैर क्यों है, चार पैर क्यों नहीं है, है ना, दो ही आंखें क्यों है, तीन क्यों नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो इसका उत्तर भी वही मिलता है कि ये अस्तित्व है, हमेशा से था है और रहेगा, इसमें रचना भी रचना हो रही है, और जो भी हो रही है व्यवस्था सहज विधि से हो रही है। तो फिर जैसा है वैसा क्यों है भी है ना प्रश्न बनता नहीं है, क्योंकि ये कोई रचना है नहीं, मतलब ये कोई अस्तित्व को किसी ने रचित तो किया नहीं है। तो अस्तित्व में इकाइयों की एक स्वयं व्यवस्था बनी है, अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी बनी है, उसके आधार पर रचना विरचनाएं हो रही हैं, उससे ये क्रम निकलता है। अब जैसे यही देखें कि शेर हिरण को खाता है, अब अगर थोड़ी सी आप कल्पना करें कि न खाए तो क्या होगा, जैसे अगर शेर हिरण को ना खाए, या जंगल में शेर ना हो, क्रूर पशु ना हो, तो क्या होगा, तो आप पाएंगे कि ये जो अक्रूर पशु हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, इन प्रजनन के द्वारा इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अगर बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो ये जो घास पात पेड़ है इनको बहुत ज्यादा खा लेंगे, अगर बहुत ज्यादा खा लेंगे तो फिर इनकी संख्या घट जाएगी, तो पूरे जंगल की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये तो देखने में आता है कि जंगल में क्रूर पशुओं की भी एक निश्चित भागीदारी है, अक्रूर पशुओं की भी एक निश्चित भागीदारी है। अभी एक वीडियो यूट्यूब पे है, उसमें दिखाते हैं कि एक जंगल है वो समाप्त हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे एक क्रूर पशु को बहुत लोगों ने शिकार कर दिया, फिर किसी साइंटिस्ट ने जाकर चार पांच ऐसे पशुओं को डाल दिया वहां पर जंगल में, जो वीरान होता जा रहा था, चार पांच साल में वो हरा हो गया जंगल, वापस हरा हो गया। तो क्रूर पशुओं की भागीदारी है, अक्रूर की भी भागीदारी है ना, पशु पक्षियों की भागीदारी है, पक्षी भी कई प्रकार के हैं, सबकी एक निश्चित भागीदारी है, कोई पत्तियों को खाते हैं, कोई कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, कि नहीं ऐसे पक्षी हैं जो इनको भी खाते हैं, है ना, कुछ जीवों को भी खाते हैं, ऐसे भी पक्षी हैं, तो हर एक निश्चित भागीदारी बनी हुई है। बढ़िया भैया, आपसे बात करते हैं ऐसा समझ में आया कि ये जो दो प्रश्न है कि अस्तित्व का प्रयोजन क्या है, क्या व्यवस्था ऐसी ही क्यों है, ये प्रश्न शायद इसलिए उठता है कि मेरे दिमाग में ये मान्यता है कि ये सब किसी ने बनाया है, शायद वही से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर किसी ने बनाया है तो गलत क्यों बनाया है, ऐसा क्यों नहीं, अगर ये है ही है ये प्रश्न नहीं उठेंगे, क्या ऐसा सोचना सही है जी? ये है ही है, मतलब अस्तित्व जो है वो है जैसे कहते हैं, और जो व्यवस्था है वो है, और उस व्यवस्था का एक प्रयोजन है, तो अब अगर कोई व्यवस्थापक नहीं है, किसी ने बनाया नहीं और वो है ही है, तो ये दोनों प्रश्न फिर खड़े नहीं होते जी। बिल्कुल, हमारे दिमाग में मान्यता ये है कि ये किसी ने बनाया है, तब समझ में आता है क्यों बनाया, अस्तित्व क्यों बनाया, या हम ये कह रहे हैं कि ये हर इकाई का एक प्रयोजन है, तो वो प्रयोजन ऐसा नहीं ऐसा क्यों है, ये इस तरह से सोच रहा था मैं, इसको थोड़ा सही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम देख लें, अच्छा है कि ये प्रश्न उठा, हम सबके अंदर मान्यता में संस्कारों में कहीं ना कहीं ये गहरे में बैठा रहता है, है ना, गाना भी गाते रहते दुनिया बनाने वाले, है ना, काहे को नहीं, तो हमने मान लिया है किसी ने बनाई है, कोई रचयिता है,
तो ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है कोई रचयिता नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, हमेशा से था और रहेगा। फिर वहां जाकर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत सहज रूप में मिल पाते हैं। जी भैया, और फिर ये दिखता है कि जब नहीं है कोई, वीरेंद्र जी ने जो मैसेज दिखाया, यदि व्यवस्था है तो उसकी रचना किसी बुद्धिमान व्यवस्थापक द्वारा होनी ही चाहिए। ये इस तरह के जो हम तर्क लगाते हैं ना, अब फिर कोई कहता है, अब इसके आगे प्रश्न ये बनेगा कि कोई बुद्धिमान व्यवस्थापक होगा, अब जब व्यवस्थापक इतना बुद्धिमान है तो उसको बनाने वाला तो और ज्यादा बुद्धिमान होगा। जी भैया, प्रश्न चलता चला जाएगा। तो क्या होता है कि अभी हम इकाइयों की जो आपस में परस्परता है उसको देखकर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, और कई जगह पाएंगे, कई पंथों में भी ऐसा कई बार बहुत गहरे में मान लेते हैं कि कोई व्यवस्थापक है ना, और उसने किया है, क्योंकि इतनी बढ़िया रचना तो कोई वैसा इकाई या ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है। तो अभी हम ऐसा मान लेते हैं, है ना, वो हमने जो इकाइयों की परस्परता देखी है उसके आधार पर मान लेते हैं। प्रश्न करें तो उसका उत्तर मिलता है, क्योंकि ये प्रश्न कहीं रुकेगा नहीं। कोई व्यवस्थापक है तो फिर उसकी रचना किसने की, वह ज्यादा बुद्धिमान होगा। फिर और भी कोई अगर व्यवस्थापक है ना, जो उससे ज्यादा बुद्धिमान हो तभी ने उसकी रचना की, वो एंडलेस हो जाएगा। या तो आप कहीं जाकर आएंगे, नहीं नहीं कोई तो शुरू से ही था, हमेशा से था, तो कहीं पे तो आप रुकेंगे ही। जी भैया, तो अगर अस्तित्व को बनाने में किसी की बुद्धिमानी है तो उसको बनाने में किसी और की बुद्धिमानी होगी। फिर आप किसी पॉइंट पर कहेंगे नहीं 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 वो हमेशा से था, तो फिर यहीं रुक जाते हैं। अस्तित्व तो हमेशा से था, एक बढ़िया रचना है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बढ़िया भैया, नमस्ते भैया। जी नमस्ते भैया। आपने कहा कि शून्य जो है वो क्रिया शून्य है। जी, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में तो ये कहते हैं कि स्पेस क्या है, वो बेंड होता है। मींस स्पेस एक फैब्रिक की तरह है, उसमें बेंडिंग हो सकता है, टाइम डिलेशन वगैरह उसमें कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा आप समझाइए। स्पेस में बेंडिंग होता नहीं कहते, लाइट में बेंडिंग होता है। जो ब्लैक होल्स है, हाँ भैया, अभी तो ऐसी बात होती है, तो लाइट की बेंडिंग की बात होती है। देखिए वो तो इकाइयों की परस्परता की बात है, जड़ इकाई का जड़ इकाई पे जो प्रभाव है ना, उसका अध्ययन किया जा रहा है ट्रिवलेंट साइंस में, उससे कुछ निष्कर्ष दिए जा रहे हैं। और निष्कर्षों पे शंका बनी हुई है। कभी कहते हैं बिग बैंग थियरी से पूरी अस्तित्व की रचना हुई, जैसे हमारे यहाँ एक मान लेते हैं कि भाई कोई रचयिता है, क्रिएटर है ना, वैसे ही शुरू से मान लेते हैं बिग बैंग है। बट अभी 10 साल पहले रिसर्च हुआ, उसमें निकल कर आया कि बिग बैंग जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि बिग बैंग भी क्या हुआ, अल्टीमेटली एक मान्यता है। अगर उसमें देखें तो मतलब रिलेटिविटी के इक्वेशंस को और अनसर्टेनिटी यानी क्वांटम के इक्वेशंस को जब आपस में मिलाते हैं तो इस तरह के निष्कर्ष निकलते हैं। तो अल्टीमेटली वो तो हम अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसमें ना तो हमको स्पेस की समझ है, ना चैतन्य की समझ है ना। और ये भी तो नहीं हो पा रहा, जो एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो एब्सोल्यूट है या उसमें मेरे अपना विचार भी जुड़ जा रहा है। हाँ, अभी सब अनक्लियर है। उसके साथ हम कुछ निष्कर्ष देते हैं, उस निष्कर्ष पे हम कुछ दिन तक बने रहते हैं, फिर वो बदलने लगते हैं निष्कर्ष। ठीक है भैया, शुक्रिया। थैंक यू भैया। हाँ भैया जी नमस्ते। नमस्ते। ये भैया जी जो बातें हो रही थी इसी से संबंधित सवाल है। मेरी बिटिया मेरे साथ बैठी हुई है, तो ये 5-6 महीने से एक ही सवाल पूछ रहे हो, मैं 5-6 महीने से एक ही जवाब दे रहा हूँ। ये इसका सवाल ये है ना कि हमसे जो पहला इंसान दुनिया में कौन आया होगा, तो मेरा यही कहना होता था कि अस्तित्व है, सब बना हुआ है। फिर ज्यादा पूछती है तो हमने कहा जानवर में परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसका सवाल आज भी बना हुआ, मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ, पहला इंसान कौन रहा होगा। देखिए अभी भी आप देखिए तो जो पहले हुआ है वो अभी भी हो रहा है, जैसे हमारे शरीर में रचना विरचना हो रही है कि नहीं, हो रही है। पशुओं के शरीर में रचना विरचना हो रही है कि नहीं, हो रही है। मैं में विकास हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा है। तो पशु पक्षी अभी भी हमको दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षियों में भी एक क्रम दिखाई देता है। कुछ पशु पक्षियों का जो मैं है ज्यादा विकसित है, कुछ का कम विकसित है, कुछ के शरीर की जो रचना है वो मानव शरीर के है ना मिलती जुलती है, कुछ शरीरों की रचना नहीं मिलती जुलती है। किसी पशु में ही मेधास काफी विकसित है, तो ये पूरा एक रचनाक्रम विकास क्रम दिखाई देता है अस्तित्व में। तो इसको आप पीछे ट्रेस करते जाएंगे तो किसी पॉइंट पे पशुओं की तरह रहने का अभ्यास रहा,
है ना। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे परिवार में रहने लगे और हम इस तरह से रहने लगे, तो ये हमको एक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उससे पहले पशु के रूप में रह रहे थे, अभी भी हमको दिखाई देगा कि धरती पे कई जगहों पे लोग पशु की तरह या उससे कुछ मिलते जुलते लाइफस्टाइल में जी रहे होते हैं। ठीक, अभी भी हम भी देखें तो हम कहते हैं कि भाई है ना, मेरे भीतर का जानवर जाग गया, क्या हो गया। तो अल्टीमेटली अगर मुझ में समझ नहीं है तो हम पशु जी नहीं लगते हैं, जीव चेतना में जी रहे होते हैं। तो अस्तित्व में दिखाई दे रहा है कि शून्य है, जो क्रिया शून्य है, उसमें इकाइयां बनी हुई है, चैतन्य इकाइयां हैं, जड़ इकाइयां, जड़ इकाइयों में रचना विरचना हो रही है, चैतन्य इकाइयों में विकास हो रहा है, और इन दोनों के योग संयोग से पशु पक्षी बने हुए हैं, मानव बने हुए हैं, और उनमें गति दिखाई दे रही है। उसको बैक ट्रेस करेंगे तो कहीं पे आपको दिखाई देगा कि इस पॉइंट पे आदमी बिल्कुल ऐसा जी रहा था, उसके बाद से ऐसा जीना शुरू हो गया। जैसे पहले हम जंगलों में जी रहे थे, उसके बाद हम लोग समुदाय बना के जीने लगे, उसके बाद हम लोग गांव शहर बना के रहने लगे, समुदाय में जैसे कबीला कहते हैं, कबीला के रूप में रहते थे। तो ये पूरा क्रम दिखाई देता है जी। अच्छा भैया जी, जो एजुकेशन है ना, जैसे बिटिया को पढ़ाया गया कि शायद जो मानव बना पहला मानव ऐसा रहा होगा, ईव और ये करके ईव करके कुछ पढ़ाया गया, तो ये जब से इसको पढ़ाया गया है ना, तब से इसका यही सवाल है कि पहला मानव कौन था। ईव एडम, हाँ ईव एडम पढ़ाया गया था इसके स्कूल में। तो ये शिक्षा जो दी जा रही है बच्चों को, ये भी कहीं कंफ्यूजिंग है, हो सकती है, बिल्कुल इसको ओपन रखें हम। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हम समझ लें वास्तविकता, जैसे वैसे समझ लें, फिर हम सही बात को देख पाएंगे और रख पाएंगे सभी के सामने। क्योंकि इसका सवाल तभी से बना है जब से ईव एडम पढ़ाया गया है, तो ये समझती है कि ईव एडम पहला मानव है। जी जी, ठीक है ना, अभी इसको ओपन रखें, इसको ऑब्जर्व करें। तो इसके आगे ना, मैं जो आपने मेरे को जैसे अभी बताया, तो मैं भी इसको कुछ कुछ ऐसे ही समझाता हूँ, तो फिर वो बच्चा समझ नहीं पाता है शिक्षा के आगे। ठीक है ना, अभी हम अपने आप में समझ लें। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति सामने आएगा हम उसके साथ संवाद कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। बढ़िया भैया, धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते सर, चर्चा तो बहुत बढ़िया हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमारे बच्चों ने भी हम लोगों से पूछे, हम भी आंसर नहीं दे पाए। तो ऐसा कुछ ये जो कंटेंट है, ये कुछ आंसर क्लियर कर सकता है डाउट्स बच्चों के। पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था सर, जो हम शून्य कह रहे हैं उसको, वो ब्रह्मांड को हम बता रहे हैं। शून्य मतलब क्रिया शून्य, ब्रह्मांड तो पूरे अस्तित्व को कह रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मांड तो अपने अस्तित्व में सदा बना ही है, ब्रह्मांड अस्तित्व को ही कह रहे हैं। हाँ, वो बना है, वो बना ही रहेगा जी। तो हर इकाई भी बनी थी, बनी हुई है, बनी रहेगी। शून्य भी बना, शून्य भी था, है और रहेगा। जो ब्रह्म है वो शून्य को कह रहे हैं, पर ब्रह्मांड जो ब्रह्म है जी, वो शून्य को कह रहे हैं। सर एक बार और क्लियर कीजिए। शून्य को क्रिया शून्य ब्रह्म भी कहते हैं, क्रिया शून्य भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, व्यापक भी कहते हैं, असीम भी कहते हैं, है ना। शून्य के लिए ही हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मांड जब कह रहे हैं तो पूरे अस्तित्व को ब्रह्मांड कह रहे हैं। तो ये जो क्रियाशीलता है वो मैं में है ना शून्य जी, ये जो क्रियाशीलता है वो मैं में है ना सर। क्रियाशीलता मैं में है, शून्य तो क्रिया शून्य है। क्रिया तो क्रिया शून्य है, ठीक है, शून्य क्रिया शून्य है, ठीक है जी। तो सर हम कई बार बात करेंगे। हाँ, कई बार हम ये भी कहते हैं कि हम लोगों का जो सेल्फ है, जब वो शरीर छोड़ता है तो वो इतना शून्य है कि वो कभी दिखाई नहीं दे सकता, इम्पॉसिबल है। क्या ये भी सही बोल रही मैं? देखिए, जो ये हम लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं ना, उसको हम लोग थोड़ा ठीक से करें, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो पहले भी मिले हैं, है ना, दिए गए हैं। तो ये मैं तो शून्य तो है नहीं, शून्य तो व्यापक को कह रहे हैं कि नहीं, और अभी भी मैं को आप आंखों से तो देख नहीं पा रहे, जो अभी नहीं देख पा रहे तो आगे भी नहीं देख पाएंगे।
जी जी तो जी। मैं को देखने का अभ्यास उन्होंने किया ही कि अपने आप को देखें, कैसे देखते हैं अपने आप में होने वाली क्रियाओं से, है ना, शरीर कैसे देख पाते हैं, शरीर से मिलने वाली संवेदनाओं से। जी 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 धन्यवाद सर। सर ये भी कुछ सर और ज्यादा डीपली समझने का है सर, इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस जिसको समझना ज्यादा जरूरी है। किसको? जो सर आप ये बता रहे हैं क्रियाशील और मैं, ये चीज समझना है, ये सब चीजें ना समझना बहुत जरूरी है सर इस कंटेंट में। सर इसका अभ्यास नहीं कर पा रही मैं। हाँ बिल्कुल करिए, इसलिए नहीं मतलब आगे बात बढ़ पा रही है, तो सबको ध्यान से आप देखिए जो अभ्यास के स्टेप्स हैं, है ना, उस पर आप ठीक से काम करें, तो एक स्टेप को ऑब्जर्व करें अपने आप में। जी और सर मैं संवेदना भी फील नहीं कर पा रही। हाँ ठीक है ना, उसको आप ध्यान दें, उसके लिए आप अलग से बात कर लें, क्योंकि अभी कुछ प्रश्न हो तो रख लीजिए, बट यदि कोई ऐसी शंका है तो या शेयरिंग है तो उसको आप बाद में रख लें। आप नंबर तो है मेरे पास, आप अलग से कॉल कर लें, उस पर डिस्कस कर लें। ठीक धन्यवाद सर। बढ़िया बढ़िया दीदी जी। भैया सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया, मेरा ये प्रश्न था, जैसे अभी बात चल रही थी कि जो भी ईव या जो भी मनुष्य हुआ, तो क्या उस समय जब प्रकृति बनी होगी, जब ये ब्रह्मांड बना होगा, तो क्या एक ही मनुष्य ने जन्म लिया होगा? कई सारे लोग एक साथ आए होंगे ना पृथ्वी पे। देखिए अभी फिर वो बात आप तक पहुंची नहीं, ये ना कभी ब्रह्मांड बना, मैंने तो कहा नहीं कि ब्रह्मांड कभी बना। ब्रह्मांड तो हमेशा से था, जो पृथ्वी पे जब मतलब जन्म हुआ, तो क्या मतलब जैसे जानवरों का हुआ तो मनुष्य भी क्या एक ही थोड़ी ना रहा होगा, बहुत सारे एक साथ आए होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मनुष्य से पहले पशु रहे होंगे, ये तो अभी को भी देख, अभी की जो प्रकृति की व्यवस्था को देख के भी समझ में आता है कि मनुष्य से पहले पशु रहे ही होंगे, इन पशुओं में ही संक्रमण होते होते मनुष्य तैयार हुए। ऐसा हो सकता है भैया? ऐसा ही हो रहा है, अभी भी आप देख सकते हैं। ये मनुष्य कैसे बन सकता पशु से? अभी आप देखिए जो शरीर में रचना हो रही है ना, तो अगर हम अपने शरीर की रचना को भी देखेंगे तो हमारे शरीर की रचना का अध्ययन करने से पता लगता है कि पहले पशुओं के शरीर की तरह ही था। जी अभी भी आप देखिए तो पशुओं में जो सेल्फ है उसके अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेज दिखाई देते हैं, कोई कम विकसित है, कोई ज्यादा विकसित है, है ना, मानव में भी दिखाई देता है, जैसे चिंपैंजी या इस तरह के पशुओं को आप देखें तो बिल्कुल मानव के करीब दिखाई देते हैं। जी। और यदि हम अपने शरीर के बनावट को देखें, इनफैक्ट अभी भी कई ऐसे मानव की प्रजातियां हैं जिनके शरीर की बनावट उनसे मिलती जुलती है, ये सारा तो अध्ययन किया गया, इसको साइंस में अगर देखेंगे। देखिए जो शरीर की रचना भी रचना है ना, एंथ्रोपोलॉजी में इन सब चीजों को बहुत अध्ययन किया गया है, उसको हम देख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। जहाँ हमको मैं की समझ होने की जरूरत है और वो नहीं समझ पाते हैं, वहां फिर हम गलतियां करने लगते हैं। जी भैया जी ठीक है भैया, बढ़िया जी नमस्ते। तो ये सारे प्रश्न रेलिवेंट हैं, है ना, इन सारे प्रश्नों पे ध्यान देने की जरूरत है, इन पे समाधानित होने की जरूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जर्वेशन रुक जाता है। तो अभ्यास दो के स्टेप वन में, अभ्यास दो में बेसिकली हम स्वयं द्वारा शरीर को ध्यान देने का अभ्यास कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके स्टेप वन में हमने स्वयं और शरीर, यानी मैं और शरीर, इन दो वास्तविकताओं को ठीक ठीक देखने का अभ्यास किया और ये पाया कि मैं अपने आप को देख पाता हूँ स्वयं में होने वाली क्रियाओं के आधार पर, शरीर को मैं देख पाता हूँ शरीर से मिलने वाली संवेदनाओं को पढ़ने के आधार पर। स्टेप टू में मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको हमने देखा और उसमें ये पाया कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है वो सूचना का है, तो शरीर से मुझे संवेदना मिल रही है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ आवश्यकता अनुसार समय अनुसार, और मैं शरीर को संकेत दे रहा हूँ आवश्यकता अनुसार समय अनुसार, और ये आदान प्रदान में कोई भी भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है। स्टेप थ्री में फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जो भी आदान प्रदान मैं कर रहा हूँ उसका निर्णय कौन लेता है, ये देखा कि निर्णय तो मैं लेता हूँ शरीर नहीं, तो जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसमें निर्णय मेरा है शरीर का नहीं है।
अब स्टेप फोर में ये बात हो रही है कि जब मैं शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़ रहा हूँ तो मैं देख लें कि क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है। तो इसको अपने आप में देख सकते हैं, जो संवेदना को मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो संवेदना ही मैं हूँ या उसी संवेदना में मैं समाया हुआ हूँ, संवेदना कोई मैं हिस्सा हूँ, या क्या मेरे और संवेदना की उसे दूरी है। तो अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि मैं संवेदना नहीं हूँ, मैं संवेदना में नहीं हूँ, मेरे और संवेदना की उसे दूरी है। पर इसको अपने ऑब्जर्वेशन से देखना है। और दूरी होने का मतलब कि संवेदना मुझे शरीर से मिल रही है ना, स्थान रूप में मैं भी वही बना हुआ हूँ जहाँ शरीर बना हुआ है, जहाँ संवेदना बनी हुई है, बट मुझसे बाहर है, मुझसे बाहर है और मैं उसको पढ़ रहा हूँ, मुझ तक पहुंच रही है। तो हम ये देख सकते हैं कि मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ, शरीर के विभिन्न भागों में किसी भी जगह होने वाली संवेदना को मैं अपने निर्णय के अनुसार पढ़ता हूँ। मेरे और संवेदना के बीच दूरी है, मैं और शरीर के बीच दूरी है। इस चीज को हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, है ना। इससे मेरे और शरीर का अलग अलग होना आपको और स्पष्ट होगा। तो कोई भी संवेदना आ रही है ना, आप उसको ध्यान से देखिए, वो मुझ में नहीं है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, कहीं बाहर है मुझसे, आवश्यकता अनुसार पढ़ता हूँ, निर्णय अनुसार पढ़ता हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, अभी 10 मिनट का समय लगाते हैं, इस स्टेप को जरा हम अपने आप में करें, 10 मिनट का समय लगाकर, फिर इस पर जो भी प्रश्न बनेंगे उसको लेंगे। जी जी बढ़िया, 10 मिनट में हमें अपने और संवेदना के बीच की दूरी को ऑब्जर्व करना था। जो भी संवेदना शरीर से आ रही है उसको मैं जैसा है वैसा देखूं, तो स्पष्ट होता है कि इस संवेदना मुझसे बाहर है, मैं ये संवेदना नहीं। इस संवेदना को आप अपने से दूर, अपने से बाहर जितना स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, इस संवेदना का जो प्रभाव है आपके ऊपर उसको भी आप ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। जैसे हमको लगता है कि संवेदना मेरे भीतर ही है, तो मुझे लगता है संवेदना उठी और उसका प्रभाव उत्पन्न हुआ, अब मुझे फिर उसी के अनुसार करना है। पर जब मैं इसे अपने आप से बाहर देख पाता हूँ तो दिखता है कि अभी इसके संवेदना को पढ़ने और मेरे प्रभावित होने के बीच में भी गैप है। उसको हम स्टडी करेंगे, फिर स्टेप 5 में जाकर उसको स्टडी करेंगे। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते। 10 मिनट मैंने सही में जो ऑब्जर्व किया, आपने जो बताया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने अपने अनुभव से किया। जैसे कि हम जंगल से जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त प्यास लगी, संवेदना तो हो रही है लेकिन इसमें बहुत क्या बोलते हो दूरी है। दूरी इसलिए पाई है कि हमको ये पक्का मालूम है कि कितने भी प्यास हमको लगे पानी मिलने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वो संवेदना भले ही डेवलप होती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं, मतलब वो बाहर है। हमारे अगर अंदर होती तो एकदम हम व्याकुल हो उठते, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए हम बोलते। वैसे जब हम उपवास रखते हैं उसी वक्त भी हम, मतलब मैंने खाने पीने की से उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये तो बात मुझे समझ में आ गई, तो इसमें थोड़ा सा थोड़ा और विश्लेषण कीजिए प्लीज। जी बहुत बढ़िया भैया। तो ऐसे अवसरों पर जैसे प्यास लगी है, पीने को पानी नहीं है, जी जी, तो आप देखते हैं कि भाई प्यास तो लगी हुई, संवेदना बार बार आ रही है, बट पानी जब उपलब्ध नहीं है तो मैं अपने आप एक निर्णय ले रहा हूँ कि पानी नहीं मिल सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि एक नेचुरल कॉल है ना, वॉशरूम चाहिए। यस, मैं भी वही का एग्जांपल आया था लेकिन मैंने बोला चलो अपना सोशल मीडिया पे मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया। जी भैया बिल्कुल करेक्ट है, जब जगह मिलती है उसको यूज करते हैं। यस भैया जी जी, हम निर्णय लेते हैं। हाँ, ऐसे सारे अवसर पे आपको दिखाई देता है और इसको हम हर क्षण देख सकते हैं अपने आप में कि जब भी मैं संवेदना को पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, संवेदना मुझसे बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो संवेदना को पढ़ने का निर्णय भी मेरा है और संवेदना को पढ़ने के आधार पर मुझे क्या करना है ये भी निर्णय मेरा है। जी जी,
तो ये मतलब ये ज्ञान जो हम अभी पढ़ रहे हैं या जो भी आज सवेरे से चल रहा है अस्तित्व और सभी, तो ये संवेदना वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम देखते रहे तो हमारे हाथ से कोई गलत चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि संवेदना बाहर से होती है और हमको उसके ऊपर वो परिस्थिति देख के सोचना है कि ये काम हमको करना है कि नहीं करना है। जी भैया जी, बट उसमें ये है कि करना है कि नहीं करना है ये कैसे तय होगा, इसमें समझ की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, है ना। वो काम जब तक पूरा नहीं होगा तो हम संवेदना को पढ़ भी पाते हैं, ये मान भी पाते हैं या स्वीकार भी पाते हैं या कई बार देख भी पाते हैं कि संवेदना मुझसे बाहर है, परंतु करना क्या है ये स्पष्ट नहीं होता। तो उसका संवेदना का मैं क्या सदुपयोग करूंगा ये निर्णय नहीं हो पाता। जी जी जी, तो ये अभ्यास हम जारी रखें अभी तो मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है, मैंने थोड़ा इंग्लिश में भी देखा था तो इसलिए मुझे वो क्वेश्चन बन गया था। जी भैया नमस्ते, बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया भैया। किसी और कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। इस स्टेप को अपने को बारीकी से करना है, इसमें समय लग सकता है, क्योंकि वैसे हम निष्कर्ष तो निकाल लेते हैं जैसे भैया अभी शेयर कर रहे थे ऐसी घटनाओं में, परंतु इसको अपने आप में हम देख पाए, जब ध्यान दिया तब देख लिया कि संवेदना मुझसे बाहर है, फिर एक पॉइंट पे किसी जगह जाके हमको स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ऐसा ही है, बट उसको अपने आप में हम देख रहे हैं, इसको हम हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं बचा हुआ है। तो मैं ना तो संवेदना का भाग हूँ ना संवेदना मेरा भाग है, संवेदना शरीर में हो रही है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, मुझसे बाहर है यानी मुझसे एक दूरी बनी हुई है। मैं निर्णय लेता हूँ तो पढ़ता हूँ, निर्णय नहीं लेता हूँ तो नहीं पढ़ता हूँ, और मैं पढ़ता हूँ ना कि मेरे अंदर है और बिना मेरे निर्णय के मुझे प्रभावित कर देता है। ये बात हम अपने आप में ऑब्जर्व करें। एक प्रश्न, नींद आना भी एक संवेदना है क्या? तो नींद का मतलब ही क्या हुआ, तो शरीर में एक स्थिति बन गई है, थकावट हो गई है और शरीर को आराम चाहिए, उसकी सूचना आप तक मिलती है, फिर जब नींद खुलती है तो भी उसकी सूचना आप तक मिलती है कि शरीर की थकान पूरी हो गई, अब आवश्यकता नहीं, आप उसको पढ़ते हैं, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। अगर संडे है तो कहते हैं अरे 2 घंटा और सो लिया जाए, अगर मंडे है तो कहते हैं नहीं सुबह उठना पड़ेगा, ऑफिस जाना है। तो पढ़ने का निर्णय भी आपका है और उसके आधार पर करना क्या है ये निर्णय भी आप ही का है। जी नमस्ते भैया। भैया अभी जो ये संवेदना वाला डिस्कशन है ये तो मतलब मैं देख ही रहा हूँ कि मेरे और संवेदना में दूरी है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, ऐसा नहीं है। भैया मेरा प्रश्न जो था ना अभी जो अर्लियर डिस्कशन हो रहा था व्यवस्था अस्तित्व और मेरी भागीदारी का, तो वो काफी कुछ क्लियर हुआ। एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए तो वो कम्प्लीट हो जाए। जैसे प्रश्न ये है कि मैं यानी चैतन्य इकाई इस व्यवस्था में मेरा प्रयोजन क्या है वो स्पष्ट रूप से, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि अनुभव तक जाना है या क्या है, उसको थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए। जी वो हम लोग जो डायग्राम रखते हैं सामने ना, सेल्फ का डायग्राम है और फिर नीचे सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा तक जा रहा है, तो प्रयोजन एक तो यह है कि स्वयं में अनुभव की क्रिया जागृत हो जाए ताकि मेरी सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाए, अभी अपूर्ण है, पूर्णतया जागृत नहीं, और दूसरा मेरी भागीदारी पूर्ण हो जाए, मैं मानवीय परंपरा तक भागीदार हो जाऊं, है ना, उसमें मेरी एक निश्चित भागीदारी हो जाए, उसमें जो अनिश्चितता है मेरे आचरण की वो न रहे बल्कि मेरे आचरण की निश्चितता हो जाए और वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा तक जाए, ये प्रयोजन है। इससे ही मुझे एक ऐसी स्थिति मिलती है जिसमें मैं हर क्षण बना रहना चाहता हूँ, जिसको आनंद की स्थिति कहा, परमानंद की स्थिति कहा। ठीक है भैया, ठीक, थैंक यू जी। बढ़िया भैया। सर नमस्ते। सर जी नमस्ते। सर ऑब्जर्वेशन में हम जब बिल्कुल खाली हो जाते हैं, शून्य टाइप लगता है, मतलब सब चीजें छूटती से नजर आती हैं, उस समय ऐसा यात्रा टाइप ऐसा लगता है कभी कभी, तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, हालांकि ऑब्जर्वेशन होता है वो दिखता है, और जो चीज नहीं देखी कभी वो चीज दिखाई देती है, अकारण ही दिखाई देती है, सोचते भी नहीं कि ये चीज देखना है, तो ऐसा भी होना वो ठीक है क्या, नेचुरल है कि गड़बड़ है? नहीं ये बात पूरे स्पष्ट है, क्या दिखाई देता है
जैसे अभी बैठे बैठे हम बैठे हुए हैं, शरीर तो बैठा हुआ है, हल्कापन हो गया है, मतलब टेंशन चिंता सब रिलीज हो गए। शुरू से तो विचार प्रभावित करते हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद में कुछ देर बाद में जो है बिल्कुल खालीपन लगता है, हल्कापन लगता है, मतलब ये पैर वैर दुखना भी सब बंद हो जाता, भूख प्यास भी वो महसूस नहीं होती है आधे एक घंटे बाद में, और फिर उसके बाद में खूब खुशी महसूस होती है, और फिर विचित्र विचित्र चीजें दिखती हैं, मतलब जैसे कोई जंगल दिख गया जो हमने नहीं देखा पहले, या कोई ऐसे आकाश गंगा दिख गई, या कुछ ऐसा मतलब कहीं पर मार्केट दिख गया, ऐसे कुछ भी दिखने लगता है, या समुद्र दिख गया। हाँ, तो निष्कर्ष क्या है ये, मतलब क्या ये किसकी यात्रा है, मतलब ये विचारों की यात्रा मान लें अपन, या फिर सेल्फ ट्रेवल कर रहा है, या फिर जैसे क्या हो रहा है ये हमें समझ नहीं आता है कि आप बताइए। अगर ऐसा कोई विचार आता है जैसे जंगल का विचार आया जी, तो आप शरीर के साथ हैं या जंगल चले गए? शरीर तो साथ में ही रहता है ना, तो जंगल तो नहीं जा सकते। हाँ, तो मैं तो वही बना रहता हूँ, मेरे अंदर कल्पनाशीलता की वस्तु बदलती रहती है। अच्छा, कल्पनाशीलता के अंदर ही हो रहा है जी। तो फिर सेल्फ की झलक कैसे लेंगे सर जी? ये विचार भी हो गया, सेल्फ भी हो गया, अपने कल्पनाशीलता भी हो गई, तो इसकी झलक, सेल्फ की झलक कैसे मिलेगी, मतलब कैसे एक बार महसूस हो जाए तो उसको पकड़ लें और उसे पकड़ से मतलब उसमें आनंदित होते रहें और शुरू हो जाए। अभी क्या है, सही शुरू नहीं हो पा रहा जो आप बता रहे हैं। ये जो स्टेप 4 कहा जा रहा है ना, कि संवेदना और अपने बीच की दूरी देखिए, इसको देखते देखते आपको मैं और शरीर का अलग अलग बने हुए रहना, अच्छा ये स्पष्ट होने लगता है। मैं कोशिका में हर अंग में संवेदना हो रही है और ये सब मुझसे बाहर है, मुझसे बाहर है। हाँ, तो मैं तो नहीं हूँ। बारीकी से पढ़ते पढ़ते ये जो स्टेप 4 है, इसमें आपको अपना होना और शरीर का होना अलग अलग दिखाई देने लगता है, अगर इसको हम ठीक से कर पाए। जी जी जी, ठीक है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ विशेष रूप से, क्योंकि बार बार उसको अभ्यास लाना पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हो। न्यूयॉर्क का कोई प्रश्न हो इसको आज हम ऑब्जर्व करें, अपने आप में ऑब्जर्व करें, है ना, और इसको बारीकी से ऑब्जर्व करें। तो शरीर में हर अंग में क्रियाएं हो रही हैं और उसको मैं संवेदना के रूप में पढ़ता हूँ, और ये क्रियाएं शरीर में हो रही हैं, मुझ में नहीं। अभी हम मान तो लेते हैं, इस बात को हम सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, है ना, इसको मान भी लेते हैं, स्वीकार भी लेते हैं, परंतु हो सकता है ये हमारे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में भी नहीं आया, इसलिए अभी मेरे और शरीर के बीच जो अंतर है हमें स्पष्ट नहीं होता, उसका कंफ्यूजन बना रहता है। जी नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। भैया जैसे कभी कभी ऑब्जर्व करने बैठे तो ये संवेदना और मुझ में जो दूरी है वो तो दिखाई दी, लेकिन मतलब इसको प्रैक्टिस करते करते ही हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसमें हम अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग देख पाए, मतलब महसूस कर पाए, क्योंकि ऐसे कभी कभी एक्सरसाइज करते हुए या बैठे हुए तो मतलब काफी बारी ऐसा हुआ कि हम देख पाए अपने को संवेदना से अलग, लेकिन फिर भी जो वो बात है ना कि हम अपने को देख पाए, अपने को महसूस कर पाए, तो वो मतलब प्रैक्टिस के साथ ही होगा, ऐसा मैं पूछना चाह रही थी। किसी साथ भी हो सकता है, किसी क्षण में अकस्मात भी हो सकता है, इसमें आप पाएंगे कि जैसे संवेदना से अपनी दूरी को देख रहे हैं और फिर पूरे शरीर में ही हमको ऐसी ही संवेदनाएं दिखाई दे रही है, पांव के अंगूठे से लेकर सर तक संवेदना ही संवेदना है, पूरा शरीर ही हमको फिर अपने से दूर दिखाई देने लगता है, बिल्कुल संभावना है। जैसा अभी मैं संवेदना को अपने आप से दूर देख पा रहा हूँ, वैसे मैं पूरे शरीर को अपने आप से दूर देख सकता हूँ। जब पूरे शरीर में संवेदना दिखाई दे रही है ना, हर एक अंग में, हर एक कोशिका में दिखाई दे रही है और मुझसे दूर है, तो पूरा शरीर ही मुझसे दूर है, ऐसा बिल्कुल दिख सकता है जी। मतलब वो इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हुए जब भी बैठें तो ये एक्सरसाइज करें और फिर ना धीरे धीरे करके ये स्थिति पहुंच सकती है, ऐसा मैं। जी बिल्कुल संभावना है, और अभ्यास एक को अगर हम ठीक से कर पाएंगे तो ज्यादा गति बनेगी, क्योंकि होता है कि जब हम इसको देखने जाते हैं तो हमारे लिए जो और प्रायोरिटीज बनी रहती हैं भाव के स्तर पर,
कहीं उलझन है, परेशानी है, फिर हमारा ध्यान वहां खिंच जाता है। तो अगर अभ्यास एक को ठीक से करें और अभ्यास दो में स्टेप फोर को फिर करें, है ना, तो बिल्कुल संभावना है कि देखा जा सकता है। जी भैया, ऐसे देखते देखते वो बहुत बार ऐसा होता है कि नींद आना शुरू हो जाता है, मतलब काफी बार ऐसा ही हुआ है, तो वहां तक रुक जाता है फिर। हाँ, तो वो है, वो स्थिति आ जाती है, कई बार वो आती है, तो उसको शुरू में आपका स्वागत भी कर सकते हैं, हो सकता है कुछ थकान है अंदर की, वो भी मिट रही है, उसे मूर्छा की स्थिति भी कहते हैं, कि वो भी स्थिति आ जाती है कई बार, है ना, मूर्छा जैसी स्थिति आ जाती है। बट उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, उसमें बहुत सारा अभ्यास भी परंपरा में किया गया है, तो हम विचारों में ना बहें या ऐसी स्थिति ना बने, है ना, इसके लिए शरीर को एक निश्चित पोस्चर में रख लीजिए तो हो पाता है, बट पॉसिबल है, क्योंकि जैसे हम शरीर से मतलब संवेदना से अपनी दूरी देख पा रहे हैं और पूरा शरीर ही संवेदना है ऐसा हम देख पाते हैं, क्योंकि पूरे शरीर में क्रिया हो रही है, तो पूरे शरीर से अपनी दूरी को देख पाते हैं, क्वाइट पॉसिबल। जी भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद। बढ़िया दीदी, तो आज हम लोग चर्चा यहाँ रोक लेते हैं।